नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबेट न्यूज। खबर नालंदा जिले से है। नालंदा जिले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आशानगर हाईवे पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति और एक बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौके पर पहुंचे सोहरसराय थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जख्मी युवक और बच्ची को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है, जहां बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पटना PMCH रेफर कर दिया गया। दरअसल नीलू देवी की NM में नौकरी लगी थी और वह अपने पति और भांजी के साथ चंडी थाना इलाके के धर्मपुर जरूरी कागजात लाने जा रही थी। उसी समय आशानगर श्री राम पेट्रोल पंप के समीप यह हादसा हुआ। मृतिका सिलाव की रहने वाली है और वह नौकरी ज्वाइन करने के लिए जरूरी कागजात लाने जा रही थी, तभी यह दुर्घटना घट गई। दुर्घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर रांची पटना हाईवे को जाम कर दिया, जिससे इस मार्ग पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। यहाँ पर हम थे पहले, इसमें हमारा फोन गया कि जो आपका बैंड डेट कर गए हैं, ये जा रहा था सिलाव से माधोपुर धर्मपुर और इसका एक्सीडेंट हो गया रास्ता में, और अपना कागज लाने के लिए जा रहा था, ड्यूटी था, तीन चार दिन के बाद से पोस्टिंग करना था कहीं, वही जा रहा था कागज लाने, तीन चार दिन के बाद जा रहा था ड्यूटी। किस चीज़ में ड्यूटी करेगा? NM वाला निकला है ना। अच्छा, उसी में पोस्टिंग। क्या चीज़? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अमरीश कुमार। ये आपको कौन है मित्र? मेरा बहन हुआ।